तो गाइस एक दिन में दो दो टायर किसके पंचर होता है मेरे सो दो तो टायर पंचर हुए एक इंसानी पंचर हो गया था एक इंसान पंचर होते होते बच गया बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ आज वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग और आज सुबह सुबह हो चुकी है बाइक पंचर तकरीबन से पढ़ने और आप देख सकते हैं यहाँ बाइक हो चुकी है पंचर अभी जो पंचर ठीक करने वाला बड़ी मुश्किल से मुझे मिले अराउंड 1.5 किलोमीटर मुझे पैदल लानी पड़ी बाइक बाकी अभी ट्यूब तो चेंज कर दी लेकिन उसके कपलिंग्स भी ख़राब हो रही हैं तो दूसरे शॉप में गए हैं जो पंचर वाले भैया हैं मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ और आज सुबह सुबह गुड की जगह बैड मॉर्निंग हो चुकी है तो अभी करवाते हैं पंचर ठीक उसके जाना से लाइब्रेरी में आज अर्पित का कॉलेज भी जल्दी का था तो वो तो चला गया कॉलेज तो मुझे लाइब्रेरी जाकर देखना है उसके बाद जाऊँगा सीधे घर पापा की बाइक मेरी बाइक होती मैं खड़ी कर किसी न किसी को बुला लेता वैसे मेघराज भाई को बुलाया था मेघराज भाई आ भी गए थे तो मैं उनसे कहा मेघराज भाई से कि आप चले जाओ खाली लेट होगा बाकी मैं पंचर ठीक करवा कर ही जाऊँगा क्योंकि पापा का भी ऑफिस भी जाना होगा तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी तो इसलिए पंचर ठीक करवा कर ही जाऊँगा अभी मैं आया था लाइब्रेरी और मैं यहाँ पर पानी भर कर रख कर जा रहा हूँ तो पानी के फिल्टर से यहाँ पर सुबह पीने का पानी आता है तो ये भर कर रखने पड़ते हैं कभी अभी भाई कर लेते हैं कभी बार मैं मोस्टली अर्पित ही करता था लेकिन अब उसका कॉलेज थोड़ा जल्दी हो गया है तो मुझे आना पड़ेगा सुबह के टाइम पे बाकी अभी ज़्यादा बच्चे आए भी नहीं है सुबह 7 बजे से स्टार्ट आती है मेरी लाइब्रेरी बट अभी बच्चे जो आने शुरू होते हैं वो होते हैं 8:30 या 9 तक इसके अंदर मैंने घर जाकर तैयार होकर जाना है सीधे DC को तो अभी फ़िलहाल पानी भरते हैं बिल्कुल नहाकर तैयार अपनी कोचिंग के लिए तो अभी चलता हूँ सीधे CA की क्लासेस के लिए बाकी उसके आगे का रूटीन फिर देखते हैं क्या होता है तो गाइस एक दिन में दो दो टायर किसके पंचर होता है मेरे सो पापा की बाइक लग गया था वो टायर पंचर हो गया और अभी देखा मैंने बुलेट का टायर भी पंचर हो रखा है तो अभी मैं देख के आया हूँ टायर ठीक होने के लिए शायद वो आपका ट्यूबलेस है तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी अभी सामने पर ही एक शॉप है यहाँ पर देखे आया हूँ ठीक हो जाएगा बाकी अभी आ चुका हूँ लाइब्रेरी पर थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ बाकी मैंने DC में कॉल कर दी थी तो अपनी क्लास के टाइमिंग दिन की करा दी है अभी मैंने कहा कि मतलब थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो वहाँ पे जो भैया है उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं आपकी क्लास हम दिन में कर देंगे तो अब मैंने वहाँ जाना दिन में 1 बजे अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ कर रेस्ट किया जाए तो गाइस अभी आ चुकी है बाइक का पंचर ठीक हो के लेकिन वही है सुबह से बहुत परेशान हो गया भाई पहले 1.5 किलोमीटर पापा की बाइक पैदल पैदल ले आया फिर वाली बाइक लेके आया हाँ तो आज जिम जाने की जरूरत नहीं अब एक चीज बता मैं बाइक और मैंने व्लॉग कैसे बनाऊं मैं बना भी नहीं पाया आज जिम भी नहीं जाना पड़ेगा आज तो इतनी फिर वहाँ बहुत लोग थे मैंने कहा क्या बोलूँ सबके सामने कि दो टायर पंचर हो गए आज जिम नहीं जाना पड़ेगा आज तो बॉडी सही यही हो गया मज़ा आया आज ये पतले हो जाएंगे वैसे अगर तू रोज टायर पंचर हो जाएगा हेल्थ हो जाएगी बहुत तकलीफ है गाइस अभी जाना मैं घर थोड़ा रेस्ट करने पर 1 बजे मुझे जाना है DC उसके शाम को अपनी क्लासेस तो अभी घर जाके करता हूँ रेस्ट अभी मैंने किया थोड़ा रेस्ट मैं चलता हूँ DC को क्योंकि वहाँ भी क्लास है मेरी मैं उसके बाद उधर कोचिंग में तो सबसे पहले चलते हैं DC CA की क्लासेस के लिए तो भाई अभी आ चुका हूँ DC से पढ़ा के और ये हमारे दर्शन भाई एक और स्कैम हुआ है हमारे साथ आज वो डिस्कस नहीं करना चाहूँगा लेकिन वही यार दिन बहुत ख़राब था वो तो टायर पंचर हुए एक इंसानी पंचर हो गया था एक इंसान पंचर होते होते बच गया थोड़ा बहुत हो गया हवा लीक कर गई उसकी थोड़ी सी चलो बताइए होता है गाइस हुआ क्या मैं जब जा रहा था घर से DC को तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ मेरे सामने सामने लड़की स्कूटी से स्किड कर गई अब वही वही सामने अगर कोई गिर रहा है तो ऐसा सही भी नहीं लगता कि हाँ तुम एकदम से चले जाओ तो मैंने पूछा उससे तो उसने पहचान नहीं वाला संजय भैया मैंने कहा हाँ तो टाइम उसको फिर सामने आपका मेडिकल स्टोर था वहाँ से टिटनेस वगैरह लगवाया पट्टी करवाई तो उन्होंने उससे पूछा कहाँ जाना है बोले भैया मेरा एग्ज़ाम है MBBG मैंने कहा चल चल DC तक मैंने भी जाना है उसको पूरा छोड़ गया और रास्ते में उसको ये याद आया कि एडमिट कार्ड स्कूटी की डिग्गी में फिर दोबारा प्रिंट करवाया उसका छोड़ दिया था फिर बाकी उसने घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया एग्ज़ाम के बाद वो आ जाएंगे लेने बाकी मैं पहुँच चुका हूँ अभी लाइब्रेरी और हम जाता हूँ सीधे कोचिंग क्योंकि 3 बजे से मेरी क्लासेस हैं बाकी आज का दिन मेरा तो ख़राब था ही बेचारा उस बच्ची का भी ख़राब हो गया वो गिर गई लेकिन मेरी गलती नहीं है भाई गलती हमारी नहीं है इतनी सी गलती नहीं थी खाली मैं बहुत दूर था उसमें मेरे से टकराना चाहूँ इसलिए ब्रेक मारे उसने आगे ब्रेक मारे तो बहुत स्किड करते हुए गई फाइनली क्लास हो चुकी है ओवर बच्चे जा चुके हैं और यहाँ मैंने जमा दिया देख सकते हैं
कि बहुत ज़्यादा थकान आती है शाम तक, क्योंकि सुबह से लगातार ही क्लासेस होती हैं, बट मज़ा भी आता है बच्चों के साथ। अभी मैं जाता हूँ सीधे घर को, देन उसके बाद देखते हैं क्या चल रहा है घर में। तो अभी पहुँच चुका हूँ मैं घर और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, तो थोड़ा सा चेंज करता हूँ, देन नीचे बैठ के देखेंगे मैच और उसके बाद करेंगे घर वालों के साथ डिनर। गाइस बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ आज, बाकी बुक स्टार्ट की थी मैंने बीच में, आपने देखा होगा, बुक भी कंप्लीट करनी थी बट बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो रहा शेड्यूल। तो फिलहाल सबसे पहले करता हूँ चेंज। गाइस कल आपको डिनर करा, उसके बाद मैच देख रहा था, मैच देखते नहीं रहा ठीक है, तो जो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानता ना पता है मैं कहीं भी सो सकता हूँ, फिर वहाँ बैठ के इवन बस ट्रेन ट्रैवल करते हो, मतलब मुझे बैठे बैठे भी इधर आती है, वही हुआ कल सो गया वाले जब सोच रहा हूँ। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।